वेलकम क्लास। आज हम एपिकल्चर या जिसे हम मधुमक्खी पालन कह रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मधुमक्खी पालन से हमारा क्या अभिप्राय है और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। इन सब चीजों की हम यहाँ पर चर्चा इसमें करेंगे। तो एपिकल्चर में किन किन चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें आगे की ओर चलेंगे। ओके, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि मधुमक्खी क्या है और इनकी कौन कौन सी जातियां जो है वो एपिकल्चर के लिए उपयोगी है, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है, इनकी जीवन चक्र किस प्रकार का है और वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे कि हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। और लास्ट में है आपका प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग, का मतलब ये हुआ कि मधुमक्खी पालन से हमें जो उत्पाद हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले हम बात करें बी कीपिंग या एपिकल्चर, इससे हमारा क्या अभिप्राय है, बी कीपिंग या एपिकल्चर किसे कहते हैं। तो लैटिन से आया है ये एपी, एपिस से, जिसका मतलब है बी, इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनी कॉमनली इन हाइव्स बाय ह्यूमन, यानी मनुष्यों के द्वारा हनी बी की जो कॉलोनी है, समुदाय है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं, इनका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, या इसको दूसरी परिभाषा दें अगर हम इसकी, तो इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि मधुमक्खी पालन वास्तव में क्या है कि आधुनिक वैज्ञानिक विधि के द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन करना एवं इनसे जो उत्पाद बने हैं, उत्पाद कौन कौन से होंगे, शहद और मोम, इनको प्राप्त करना मधुमक्खी पालन या एपिकल्चर कहलाता है। क्लियर है? मतलब तो यह हो गया कि वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना और इनसे जो निर्मित उत्पाद हैं जैसे शहद और मोम हैं, इनको प्राप्त करना एपिकल्चर कहलाता है। ओके, तो मनुष्य ने जो है वो प्रकृति का उपयोग करना जो है वो बहुत प्रारंभिक काल में सीख लिया था और वहां से हम इनका उपयोग करना प्रारंभ जो है वो कर चुके हैं। ओके, तो अगर हम इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देखें कि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, तो शहद जो है वो आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में या दूसरी औषधियों के साथ ली जाने वाली औषधि के रूप में सदियों से भारत में काम में लिया जाता है और चरक संहिता जो आयुर्वेद का एक शास्त्र है उसमें इसके औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है और मनुष्य को इनकी जानकारी जो है वो प्राचीन काल से है, जिससे कि छत्ता जो है उसको नष्ट करके और उससे शहद और मोम जो है वो प्राप्त किया जाता था। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ये एक बहुत अच्छा जीविकोपार्जन का उद्योग के रूप में बन चुका है, जिससे कि काफी पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। ओके, अब एक टर्म आती है इसके अंदर, बी कीपर या एपियरिस्ट। इससे क्या मतलब है कि वो व्यक्ति जो मधुमक्खी का पालन करता है, इसको सीधा सा हम इस तरह से कहें कि जो मधुमक्खी का पालन करता है किस लिए, उनसे कुछ उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, उनके छत्ते से। इसमें क्या होगा, बी वैक्स होगा, प्रोपोलिस होगा, पोलेंस और रॉयल जेली, है ना। और दूसरी चीज कि इनसे इनडायरेक्ट फायदा हमें ये होता है, इसके बारे में हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे, कि ये हमारे फसलों के परागण का काम जो है वो करती हैं। ओके, टू पॉलिनेट क्रॉप्स, और या फिर हम ऐसे बी हाइव्स और बनाएं जिनको कि हम बेच करके दूसरे जो बी कीपर्स हैं या दूसरे जो इसका उत्पादन करना चाहते हैं
उनको देख करके और हम ये कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट। तो जो हम बात कर रहे थे कि लगभग 1500 साल पहले से ही जो है वो हम यहाँ पर कर रहे थे इनको, इनसे शहद इकट्ठा करने का काम कर रहे थे जंगलों से, जैसे मैंने कहा था कि छत्ते जो है वो तोड़ करके और हम वहां पर लेते थे। और मैंने आपको ये बता दिया है कि इजिप्ट में ये जो है वो 4500 ईयर पहले जो है वो स्टार्ट हो गया था, और कई सदियों से भारत में भी, जैसे चरक संहिता के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वो लोग क्या करते थे कि छत्ते को से मधुमक्खियों को हटाना पहली चीज, जैसे कि नीचे धुआं वगैरह करना, फिर उस छत्ते को तोड़ लिया जाता था, है ना। तो ये एक क्रूड मेथड थी जिसमें कि मधुमक्खियों को नुकसान जो है वो पहुंचता है। वर्तमान की जो आधुनिक विधियां हैं उनमें छत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए हम अच्छी तरह से शहद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, 18वीं सदी के बाद में यूरोपियन ने इनकी कॉलोनी और बायोलॉजी का अध्ययन किया, और उन्होंने ये किया कि उसका जो कॉम्ब है, हनी कॉम्ब जो है, उसको उनको बनाने दिया जाए और बिना उसको नुकसान पहुंचाए, पूरी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाए, हम जो है वो उनसे शहद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो मैं बता रहा था आपको कि जो पुरानी विधियां हैं वो बहुत ही क्रूर विधियां थी, लेकिन जब लॉन्गस्ट्रॉप ने 1951 में आर्टिफिशियल हाइव्स का निर्माण किया, तो उसके बाद से ये एक वैज्ञानिक और कॉमर्शियल मेथड हो गई जिसमें कि हम इनको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए शहद जो है वो और दूसरे उत्पाद इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि हनी बी का क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है ये, जॉइंटेड अपेंडिजेज हैं, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी और जीनस एपिस। तो इसका जीनस जो है वो एपिस है, और इसकी मुख्य चार प्रजातियां हैं जिनको कि बी कीपिंग के काम में लिया जाता है, एक एक करके और हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है एक सामाजिक प्राणी है जो कि एक कॉलोनी बना करके और ये रहता है, और आप जानते हैं इसमें कि इसमें तीन जो हैं वो रूप पाए जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जिनमें कि एक से अधिक रूप पाए जाते हैं उनको पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी कीट जो है वो कहा जाता है, और जो रूप पाए जाते हैं उनको स्ट्रेन या प्रभेद कहा जाता है। जैसे मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो एक रानी होती है छत्ते में, कुछ नर होते हैं और बाकी के श्रमिक होते हैं। तो इनमें रानी और नर को छोड़ करके बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब स्टराइल होते हैं, बंदे मादाएं होती हैं, और वो सारा काम जो है वो करती रहती हैं वहाँ पर, छत्ते को बनाने से लेकर के और उसकी रक्षा करने से लेकर के और जो नए जीव जो हैं उनके पालन पोषण करने का काम ये करती हैं। तो हमने बता रहा था कि जीनस एपिस जो है इसके अंदर भारतवर्ष में चार प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं जिनसे हम शहद प्राप्त करते हैं। ये चार प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक हो गई आपकी एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा जो है, इसके बारे में बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ आप एक नाम ध्यान रखिए, इनका एक कॉमन नेम भी है, एपिस डोरसेटा जो है उसको रॉक बी कहा जाता है। दूसरा है एपिस इंडिका, इसको भारतीय मधुमक्खी कहा जाता है, इंडियन बी। तीसरा है एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया जो है इसको हम कहते हैं लिटिल बी, ये बहुत छोटी सी होती है। और लास्ट में हो गया आपका एपिस मेलिफेरा जो कि आपका यूरोपियन बी है, लेकिन इसका भी भारत में कल्चर जो है एपिकल्चर में काम में लिया जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका एपिस डोरसेटा है, ये एपिस रॉक बी जिसे हमने कहा था, ये एपिस मेलिफेरा है, एक एपिस कैरेना भी है, सेरेना, और ये एपिस डोरसेटा है। पहली मधुमक्खी के बारे में अगर हम बात करें, एपिस डोरसेटा, इसको देख करके और आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम सारंग या बोम्बारा मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है, और ये इन चार प्रजातियों में सबसे बड़ी होती है। इसको
हम यहाँ पर बमबारा करें, लेकिन आप जानते हैं भीलवाड़ा में हमारे यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, भंवर मार, है ना। बहुत बड़े बड़े छत्ते जो है पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर ये बनाती हैं। अब आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि एपिस डोरसेटा कौन सा है ना, जिसको हमने बम्बोरा जो लिखा हुआ है, सारंग जो लिखा हुआ है आपकी बुक में, हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको भंवरमाल भी कहा जाता है। तो अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। और दूसरा, इसको जाइंट हनी बी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन सब हनी बी में सबसे बड़ी होती है। ओके, सामान्यतः इसको रॉक भी कहा जाता है, लार्जेस्ट है ये, और जाइंट हनी बी कहलाती है, ये मैंने बता दिया आपको। और हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, भंवरमाल। इसमें एक सिंगल कॉम्ब में, एक अकेले छत्ते में 60 पाउंड हनी जो है वो बन जाता है, विद इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कॉम्ब, ये अधिकतम जो बन सकता है इसमें। इसके जो वर्कर्स होते हैं वो लगभग 12,000 फ्लावर्स को डेली पॉलिनेट करने का काम करते हैं, इसलिए ये किसानों की मित्र भी कही जाती है, ठीक है। और इसके वर्कर्स जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और लेकिन बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत ही फिरोसियस होते हैं। फिरोसियस का मतलब बहुत गुस्सेल प्रकृति के होते हैं। तो ये नॉन डोमेस्टिकेबल प्रजाति जो है वो होती है। ओके, इसमें आपने देखा होगा कि ये पुरानी इमारत की दीवारों के ऊपर, गुफाओं पर, या जैसे किले की जो दीवारें हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े छत्ते जो हैं वो इनके हमें मिलते हैं। और जून जुलाई में ये पहाड़ों के ऊपर चली जाती है, और सर्दियों में ये मैदानी क्षेत्रों में वापस लौट आती है। और एक छत्ते से 15 से 40 किलो तक शहद जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सेल होता है, प्रवासी होती हैं ये, और इनको पालना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनसे अगर शहद लेना है हमारे को, तो हमें वो पुरानी मेथड ही काम में जो है वो ली जाती है। ओके, दूसरी मधुमक्खी देखिए आप, एपिस इंडिका। ये भारतीय मोना मधुमक्खी भी कहलाती है, या जैसे इंडियन भी इसको हमने कहा है ना। अब आप बता सकते हैं, आप ये मैं वीडियो व्हाट्सएप पे डालूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इनके, इसको अपने यहाँ पर क्या कहते हैं ये नाम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके और बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार, और रेस्पॉन्ड जो है वो कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, है ना। तो जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। बिल्कुल वैसा ही आपको अनुभव होगा जैसा कि हम क्लासरूम टीचिंग में पढ़ते हैं, केवल यह है कि हमारा आपस में इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भारतीय मोना मक्खी कहलाती है ये, है ना। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि भीलवाड़ा में इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सारंग से थोड़ी छोटी होती है और लगभग 15 मिलीमीटर लंबी होती है, ये ज़्यादातर जो अंधेरे स्थान होते हैं वहाँ पर रहना ये पसंद करती है। इंडियन बी और एशियन बी कहते हैं इसको, स्मॉलर होती है, डोरसेटा से ये बात कह दी मैंने आपको, अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, और ये पैरेलल कॉम जो है वो बनाती हैं, 1 फुट लंबे जो हैं वो होती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ये बनाती है। बहुत ही जेंटल स्पीसीज है ये, इतना गुस्सा नहीं करती हैं, और इसको डोमेस्टिकेटेड जो है वो किया जा सकता है। इससे 6 से 7 पाउंड जो हनी, या हम कहें कि एक छत्ते से लगभग 3 से 4 किलो शहद जो है वो प्राप्त होता है, और ये शांत स्वभाव की है इसलिए इसको आसानी से पाला जा सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, माखी माल कहते हैं इसको, है ना। और घरों में भी ये छत्ते बना लेती है बहुत बार, खास करके अगर आप छत पर अपनी टंकी वगैरह जो देखें तो उनके आसपास जो जगह होती है उनके बीच में भी ये छत्ते बना लेती है। ओके, देन एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया या इसको भृंगा मधुमक्खी जो है वो कहा जाता है। ये एपिस इंडिका से थोड़ी सी छोटी होती है, और इसके जो छत्ते होते हैं वो 15 से 24 सेंटीमीटर के नाप के ये होते हैं। तो अब तक हमने जो दो पढ़ी है उनमें ये सबसे छोटी है। तीसरा जो प्रकार है इसका, ये नॉन ग्रिगेरियस होती हैं, तो एक सिंगल कॉम जो है वो बनाती है, यानी इनके छत्ते जो हैं वो हमेशा अकेले आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और इसके छत्ते से हमें शहद भी जो है वो बहुत कम मिलता है, इनमें ये काटती भी नहीं है, इसलिए इनके उनके छत्तों को आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन शहद जो है एक छत्ते से बहुत कम मिलता है, लगभग 250 ग्राम शहद जो है वो हमें इससे मिल सकता है। और लास्ट वाली आ जाती है आपकी एपिस मेलिफेरा, या इसको यूरोपियन हनी बी भी कहा जाता है, यूरोपियन हनी बी,
या यूरोपियन भी कहा जाता है। ये कम बनाती हैं, लेकिन ये बेस्ट स्पीसीज हैं कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी एक इटालियन वैरायटी है जो कि सभी जगह पर, यूरोप और अमेरिका में सब जगह पर ये पाली जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो इंडियन मोना है उससे ये मिलती जुलती है, यानी एपिस इंडिका जिसको हम बात कर रहे हैं। और लेकिन इसके छत्ते से, मोना से 9 से 10 गुना शहद जो है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। मोना के लिए हमने क्या कहा था, एक छत्ते से 3 से 4 किलो मिल सकता है, तो इससे हम 9 से 10 गुना शहद जो है वो ले सकते हैं। और हमने ये अभी आपको बताया कि ये बहुत डरपोक स्वभाव की होती है और आसानी से पाली जा सकती है। और जो इसकी इटालियन प्रजाति जो है वो यूरोप और अमेरिका में पाली जाती है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब एक बार हम हनीबी की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हनीबी है, फीमेल जो है वो अंडे देती हैं और उनको पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है, उनका वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से इसका लार्वा बनता है इस जेली इसके अंदर, और जिसको रॉयल जेली खिलाई जाती है वो क्वीन बन जाती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे मेल या फीमेल बनते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड हैं बाकी के आपके वो उनसे स्टराइल बनेगी। इसके बारे में एक चैप्टर और है हमारा, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये देखिए, क्वीन भी जो है अंडे देती हैं और वर्कर जो हैं वो उनको भोजन पोषण देने का काम करती हैं। तो जब लार्वा फुल रीच पर आ जाता है तब वर्कर जो है वो क्या करती हैं, इसको छत्ते के अंदर जो पोस्ट होता है उसको बंद कर देता है। इसके बाद में लार्वा जो है वो कोकून बनाता है और ये चेंज होकर के और एडल्ट बी के अंदर बन जाता है। अब मेथड्स की बात करें हम यहाँ पर, कि मधुमक्खी पालन की जो विधियां हैं वो दो प्रमुख विधियां जो हैं वो होती हैं। इसमें एक तो पुरानी और देशी विधि है हमारी, एक इंडिजिनस मेथड है जिसमें वाल और फिक्स्ड हाइव जो है वो काम में लेते हैं। या जैसे उसके भी पहले हम बात करें कि हमारी जो पुरानी देशी विधि क्या थी, कि शहद प्राप्त करने के लिए छत्ते के नीचे हम क्या करते थे कि उस आदमी जो आदमी इसका छत्ता तोड़ने जा रहा है वो अपने ऊपर कपड़ा वगैरह लपेट लेता था, है ना, और उसके चारों ओर धुआं किया जाता था जिससे कि अधिकांश मक्खियाँ जो है वो उड़ जाया करती थी। बची हुई मक्खियों को मार दिया जाता था और उसे तोड़ करके और छत्ता ले लिया जाता था। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि जब छत्ते को तोड़ा जाता है तो उसमें अंडे और लार्वा और प्यूपा जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि संदूक और लट्ठों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, और जिससे मधुमक्खी जो है इनके अंदर छत्ता बनाने लग गई। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मधुमक्खी जहां आप चाह रहे हैं वहां पर ही छत्ता बनाएं, इसलिए जो है छत्तों का आविष्कार हुआ कि आर्टिफिशियल छत्ते जो हैं वो बनाए जाने लगे। तो दो तरह के छत्ते होते हैं, एक जो फिक्स हाइव होते हैं और दूसरा मूवेबल हाइव होते हैं, जिनको कि हम घुमा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। यहाँ हम बात कर रहे थे ये हाइव और ये मॉडर्न मेथड। देयर आर 5 मॉडर्न मेथड्स, एक मूवेबल हाइव हो गया। अब मॉडर्न मेथड की बात करें हम तो 5 टाइप हैं यहाँ पर। एक जो वैज्ञानिक विधि है इसमें एक ही छत्ते को बार बार जो है वो उपयोग में लाया जाता है, इसलिए मधुमक्खियों को स्थान नहीं बदलना पड़ता है और छत्ता बनाने में उनकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है। तो श्रमिक जो कि छत्ता बनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, शहद जो है वो बनाने में पूरा समय लगाएंगे और इससे हमें शहद जो है वो अधिक मिलेगा। तो इसमें जो मॉडर्न मेथड है इसकी एपिकल्चर की, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि 3 में हम इसको कंप्लीट कर दें। ओके, थैंक यू। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।